गाइज आई एम आर्यन एंड वेलकम बैक टू आर्यन झा आर्ट्स एंड ब्लॉग्स। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शेडिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था शेडिंग स्केचिंग का एक बेस है, वैसे अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आपको ब्लेंडिंग आना जरूरी है। अगर आप बिल्कुल प्योर ब्लेंडिंग स्मूथ ब्लेंडिंग कर लेते हैं तो आपका मेरी रियलिस्टिक ड्राइंग बहुत ज़्यादा हद तक अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप पहले आपने स्मूथ शेडिंग सीख लिया, अगर आप उसमें स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं कर पाते हैं तो फिर वो स्मूथ शेडिंग आपको बिल्कुल भी सही नहीं हो पाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मेरे पास है 4 ब्लेंडिंग टूल्स। तो फर्स्ट में हम लोग का पेपर स्टम्प्स, सेकेंड पे हम लोग का ये ब्रश, थर्ड पे ये टिश्यू पेपर और फोर्थ पे है ईयरबड्स। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे ले लिया 6B का पेंसिल, तो अभी पहले मैं इसे करूँगा स्मूथ शेडिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग हर एक ब्लेंडिंग टूल्स का यूज करके देखेंगे। तो मैं शेडिंग करना शुरू करता हूँ। तो गाइस देख पा रहे होंगे मैंने स्मूथ शेडिंग करना शुरू कर लिया है। 1, 2, 3 and this is the 4th। तो गाइस आपको इन चारों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हैं। देख लीजिए मैंने 4 शेडिंग कर दिया है स्मूथ शेडिंग। चलिए अब इसको ब्लेंड करते हैं। तो गाइस देख पा रहे हो मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ। ये हम लोग का ब्लेंडिंग स्टम्प है जो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। सिंपल स्टेशनरी शॉप में आपको ये मिल जाएगा। तो इसे ब्लेंड करते हैं तो वो स्मूथ ब्लेंडिंग तो जरूर हो ही जाएगा। तो देख लीजिए आपका ये है। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प का। अब मैं बताता हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प आपको 6 टाइप्स के मिलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा मोटा से बहुत ज्यादा पतला तक। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपके लिए बहुत पतले एरियाज के लिए है। जैसे मान लीजिए आपको आई का करते हैं, नोज का करते हैं, लिप्स का करते हैं, जो मेरे लिए बहुत छोटे छोटे एरियाज होते हैं उसके लिए, और आपको बहुत बड़ा एरिया के लिए ये सब मीडियम के लिए हो गया। अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग आपका ये ब्लेंडिंग स्टम्प आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये हो गया, अब देखते हो सेकेंड में। फिर मेरे पास ये ब्रश, आप एनी ब्रश का यूज कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एक मेकअप ब्रश का यूज कीजिए, क्योंकि मेकअप ब्रश का जो ये होते हैं ये बहुत जबरदस्त सॉफ्ट होते हैं, इससे आपको ड्राइंग में बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा, इससे आपका अच्छा ब्लेंडिंग हो जाएगा। तो गाइस देख पा रहे होंगे मैं आपको लास्ट में कुछ ड्राइंग्स दिखाऊंगा जिसमें मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प, टिश्यू पेपर और इसका मेकअप ब्रश और ईयरबड सबका यूज किया है। तो गाइस मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया है। अब बारी हम लोग टिश्यू पेपर से, हम लोग इसको ब्लेंड करते हैं। टिश्यू पेपर हमने सिंपली ऐसे फोल्ड कर लिया है, इसको इससे ब्लेंड करते हैं। तो गाइस टिश्यू पेपर से बहुत अच्छा ब्लेंडिंग हो जाएगा। बहुत कुछ मेरे लिए हाथ से ब्लेंड करते हैं, उंगली से, फिंगर से ब्लेंड करते हैं, थंब से ब्लेंड करते हैं। अगर आप मेरे हैंड से ब्लेंड करते हैं तो आपको ड्राइंग में ब्लेंडिंग बिल्कुल भी सही नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं होगा। जो कर लोग टिश्यू पेपर से देखते हैं टिश्यू में बहुत गजब का ब्लेंडिंग हुआ है। अब आइए इससे करते हैं। अगर आप इससे करते हैं तो इससे बहुत अच्छा ब्लेंडिंग हो जाएगा। तो जैसे देख पा लेंगे अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प या इसके ब्लेंडिंग स्टम्प मेकअप ब्रश इसका यूज करते हैं, इसका भी किसी का भी यूज करते हैं, तो जिस साइड से आप शेडिंग करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको कीजिएगा। जैसे मैंने इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे शेडिंग किया है, तो मैंने इसको
ऐसे ऐसे करूंगा तो ऐसे आपका ब्लेंडिंग मेनली स्मूथ हो जाएगा। और जैसे देख पा रहे हो चुका है सारा स्मूथ, देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ सबका यूज कहाँ कहाँ होता है। टिश्यू पेपर का यूज आप कहीं पे भी कर सकते हैं, फेस में हो, नोज में हो, फिंगर्स हो, कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं। ये मेनली इसका यूज चारकोल को ब्लेंड करने के लिए होता है, हेयर के लिए होता है। इसका मेकअप ब्रश का यूज इसमें होता है। ब्लेंडिंग स्टिक को आप यूज कहीं पे भी कर सकते हैं सिवाय हेयर के। आप हेयर के अलावा कहीं पे भी ब्लेंडिंग स्टिक को यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप ब्लेंडिंग स्टिक का यूज हेयर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि हेयर के लिए आप अपना एक ब्रश का यूज कीजिए, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से आपको हेयर में ब्लेंडिंग हो तो जाएगा लेकिन मिलने थोड़ा सा अजीब टेका हो जाएगा। इसका यूज आप कहीं पे भी कर सकते हैं, हेयर हो कहीं पे भी हो इसका यूज आप कर सकते हैं। तो गाइस आज के बस इतना ही हुआ। अब मैं आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाता हूँ जिसमें मैंने इन सारों का यूज किया है। जैसे कि आपने देखा ये जो ड्राइंग्स है जिसमें मैंने इन सब का यूज किया है, देख लीजिए गाइस। इस ड्राइंग पहले इस ड्राइंग में देखते हैं। इस ड्राइंग में ये देख सकते हैं यहाँ मैंने चारकोल का यूज किया है, देख सकते चारकोल ही है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया ऐसे मेकअप ब्रश का, इससे मेरे चारकोल बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। चारकोल के लिए मेकअप ब्रश सबसे ज्यादा बेस्ट है। इधर ये हो गया, अब देखते फिर आगेगा। फिर मैंने फेस के लिए ब्लेंडिंग स्टंप का यूज किया है, यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टंप का यूज है, यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टंप का यूज किया है मैंने, इधर ब्लेंडिंग स्टंप का यूज किया है मैंने, यहाँ ब्लेंडिंग स्टंप का यूज हुआ है। फिर देख लीजिए, फिर नेक में मैंने इसका यूज किया है, नेक में मैंने इसका यूज किया है, और इसका यूज मैंने यहाँ पे शर्ट में किया है क्योंकि इससे मनली बहुत लाइट ब्लेंडिंग हो जाता है। अब इस ड्राइंग में देखते हैं, इस ड्राइंग में मैंने हेयर्स में ब्रश का यूज किया है। जैसे कि मैंने बताया कि हेयर्स में ब्रश बहुत अच्छा होता है, हेयर्स के लिए चारकोल के लिए ब्रश सबसे बेस्ट हो जाता है। फेस में मैंने सिंपल सा ब्रश का यूज किया, इस वाले ड्राइंग में मैंने फेस में भी ब्रश का यूज किया है, इसमें भी नेक में मैंने इसका यूज किया है, और टिश्यू पेपर का यूज मैंने हेयर में किया। हेयर में जहाँ भी मेनली बहुत ऐसी जगह जहाँ मेरी लाइट हो रहा था तो अब मैंने इसका यूज किया है। देख सकते हैं पूरा ड्राइंग में ऐसे ही है। ये जो ड्राइंग था जिसमें मैंने इन चारों का यूज किया है। आपको इन चारों ब्लेंडिंग टूल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जैसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।